अबे ये प्यार आशिकी ये सब तो ठीक है, पर ये साला पेड़ पे लिखने का कौन सा ट्रेंड है यार? पता नहीं यार, साला ये ना, ये हम लोग के आशिक ना थोड़े हाई लेवल के पागल होते हैं। साला जिस दिन मैं नेता बन गया ना, पहले वैसे आशिकों को ढूंढूंगा और साला सबसे पहले इन सालों के हाथ कटवाऊंगा। ओ समाज सेवी, उसको देख साला सुट्टेबाज। पागल हो गया तू, दिमाग खराब है तेरा? ये दिन देखने पड़े कि तू ये सब पिएगा? भाई तू नहीं समझेगा यार, इसको पीने से ना मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है यार। मेरी बात सुन ले पहले, मेंटल स्ट्रेस की बात रही ना तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोच ले। भाई अपनी हेल्थ छोड़, अपने माँ बाप के बारे में सोचा, उनपे क्या बीतेगी? भाई इन सबका सहारा लेना छोड़ दे और कुछ अच्छा कर। भाई सॉरी यार, आइंदा नहीं पीऊंगा। भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, तेरे ऊपर है। देखा बेटा, एक और बंदे को बचा लिया बर्बाद होने से। भाई 2 मिनट दे दे, बस 2 मिनट में आता हूं। अच्छा बिजी? कोई नहीं, आराम से फ्री हो जाओ, फ्री होके कॉल कर लेना, कभी भी मिला लेना। बाय। सॉरी यार, आज 5-10 मिनट ज्यादा बात हो गई। 5-10? साले 2 घंटे हो चुके हैं तुझे। 2 घंटे हो गए? घड़ी नहीं है ना, लेकिन चल गुस्सा मत हो। अब उसका कितनी बार भी फोन आ जाए, तेरा भाई फोन नहीं उठाएगा। आज का दिन तेरे नाम, देखते। एक बार प्लीज। हेलो भाई, कहाँ है यार आजकल तू? मिल तो लिया कर एटलीस्ट। बाद में बात करता हूँ। अरे भाई सुन तो सही। बाद में। हेलो मेरी हर सुबह तुमसे, मेरी हर शाम तुमसे, बस तेरा ही रहूं। पागल है क्या? भाई, समझाइए इसको। चल तू, चल पागल। भाई ये क्या हाल बना रखा है इस रूम का? क्यों, तेरी बीवी आ रहेगी? अबे ओ पागल। भाई देख, 5 महीने हो चुके हैं तुझे और कब तक ये हाल बनाए रखेगा अपना? भाई सुन, वो मुझे छोड़ के चली गई ना,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसको भूल जाऊं, फिर उसके और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? तूने कभी किसी से प्यार नहीं करा ना भाई, अगर करा होता तो समझता। भाई सुन, ये प्यार व्यार ना सब बकवास की बातें होती हैं। उसने भी तो तुझे छोड़ के मूव ऑन कर लिया ना, तू भी कर ले। तेरी इसी बातों से सोचता हूँ भाई कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। भाई देख, 5 महीने हो चुके हैं, अब मूव ऑन कर ले। और कब तक उस फालतू लड़की के लिए अपना हाल ऐसा बनाए रखेगा? सुन, वो फालतू लड़की नहीं है, प्यार करता हूँ मैं उससे, और अगर आइंदा ऐसी बात बोली ना तो जान से मार दूंगा। यार बड़े बोर हो रहा है, मूवी देखने चले? कौन सी लगी है? हेलो, ए पागल है, अगर तेरी बात झूठ निकली ना। क्या हो गया? इस बार तूने सारी हदें पार कर दी, चल घर चल। चल यार, सुबह के लिए सो सॉरी यार, गुस्से में हो गया था। हाँ मैं आ रहा हूँ यार, 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ यार। मेरी बात सुन यार, सुबह के लिए सॉरी अर्षिता, मुझे समझ नहीं आया, मैंने गुस्से में कर दिया। तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या किया है? इस बार तुमने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिया अवनीश, मेरे घर वालों को पता चल गया है, वो लोग मेरा निकलना मुश्किल कर रहे हैं। हर्षिता प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे से गुस्से में हो गया था, प्लीज हर्षिता। अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है ना, इतना सा भी, तो प्लीज मुझसे कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, प्लीज।
ये दिन देखने पड़े कि तू ये सब पिएगा। भाई तू नहीं समझेगा यार, इसको पीने से ना मेंटल स्ट्रेस कम हो रहा है यार। यार हम इतने टाइम से साथ हैं, तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं ना जाएगी। अरे अचानक से क्या हुआ तुझे? यार मैंने ना कभी तेरे बिना अपना फ्यूचर नहीं देखा, तो वादा कर तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अरे तू सेंटी मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अवनीश यार क्या हो गया? अबे कितनी घुटन हो रही है यार इस रूम में। चल बाहर चल, खड़ा हो, आ जा। भाई क्या हाल बना लिया यार तूने अपना, क्या हो गया है तुझे यार फिर से? मेरे को समझाने से अच्छा है ना अपना काम कर ले। पता है कौन सा ऐसा नशा जो तूने नहीं किया? तेरी मम्मी कहाँ, तेरा पापा कहाँ, पता है तेरे को? साले तेरा बाप
दो हफ्ते से हॉस्पिटल में, गया तो उसके पास एक भी दिन? हाँ, तेरी माँ रोज इस इंतजार में बैठी रहती कि आज मेरा बेटा फोन करेगा, आज मेरा बेटा फोन करेगा। तूने किया उसे एक भी दिन फोन? उसको क्या पता, जो इस इंतजार में बैठी कि उसका बेटा उसका हाल पूछेगा, उसको खुद अपने होश हाल की खबर नहीं है। साले क्या हो गया है तुझे? उस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? उसने तो सिर्फ एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन तूने साले अपने पूरे परिवार को धोखा दिया, हर एक इंसान को धोखा दिया जो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। ए भाई, अब ना बहुत हो चुका है, ये रोज रोज पल पल मरने से अच्छा खत्म कर, मर जाए एक बारी में। अब मुझसे नहीं होता, थक चुका है तेरा ये दोस्त तुझे संभालते संभालते। सारे जो करना ना जाके कर ले। सॉरी यार, माफ कर दे यार, भाई नहीं समझ आ रहा कैसे खुद को रोकूं, क्या करूं, पता नहीं भाई क्या हो गया मेरे से। पर भाई आज के बाद तेरी कसम भाई, सिगरेट दारू किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, माफ कर दे भाई। चल कोई बात नहीं भाई, चल। एक मिनट, अच्छे लग रहे हो साथ में दोनों, पर 5 महीने 3 दिन बीत गए और हर दिन हम ये सोचते रहते हैं ना कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो हम में नहीं था और खुद को ऐसा बना लिया। आज जब खुद को शीशे में देखते हैं ना तो खुद से भी आंखें नहीं मिल पाती। प्यार करते थे अब तुमसे, अगर नहीं करती थी ना तो बोल देना चाहिए था, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी। पता है हमको सिर्फ तुम्हारा नशा था, बाकी कुछ नहीं। और आज ऐसे बन गए ना, ये दारू, ये सिगरेट, इन सब के बिना अपना जीवन नहीं चला पाते। जब से तुम छोड़ के गई हो ना, हर वो चीज इस्तेमाल कर ली जिससे खुद को खत्म कर ले। पर आज समझ आया, ये प्यार, ये उम्मीदें, ये वफादारी ना बहुत महंगी चीज है और इसकी उम्मीद ना तुम जैसे सस्ते लोगों से नहीं करनी चाहिए। तुमसे जितना प्यार किया ना, उतना अगर किसी जानवर से भी कर लेता ना तो जीवन भर की वफादारी मिल जाती। रही बात प्यार की ना, प्यार तो रहेगा पर तुमसे नहीं, उनसे जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप, मेरा दोस्त। खुश रहो। जब ये काटेगी ना तो ये काम आएगी। हाँ मम्मी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो ना मम्मी, आज मैं कई दिन बाद बाहर आया हुआ था, एक्चुअली आज यश के साथ बाहर घूमने का प्लान है। अच्छा हाँ मम्मी, सुनो सुनो सुनो, पापा को मत बताना कि मैं परसों घर आ रहा हूँ, उनको मैं सरप्राइज दूंगा। अच्छा सुनो, मैं बाहर हूँ, मैं आपको घर पहुँच के कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, और सुनो मम्मी, आई लव यू, ख्याल रखना, उनसे प्यार करो जो तुमसे प्यार करते हैं। तुमसे मेरी हर सुबह, तुमसे मेरी हर शाम, तुमसे बस तेरा ही रहूं।